हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंपनियों के बुक वैल्यू को समझेंगे। कंपनियों की बुक वैल्यू क्या होती है? कंपनियों की बुक वैल्यू कंपनी की मौजूदा एक्चुअल वैल्यू होती है। यदि आज के डेट में कोई कंपनी किसी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से अगर बिकती है तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? जो इसकी बुक वैल्यू होगी वही इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। इनफैक्ट जो बुक वैल्यू होती है वो कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ के डिटेल्स पर बेस्ड होती है, जिसमें सारे एसेट्स अपने एक्चुअल वैल्यू तक घटाए जाते हैं और जो रिजल्टिंग अमाउंट निकलता है उसका सारे डेब्ट्स को ऑफसेट करने में यूज होता है, और जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो बुक वैल्यू होता है। यदि किसी कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से आधी है, मतलब जो उसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है मार्केट में वो उसके बुक वैल्यू से आधी है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अभी दो गुना अंडर वैल्यूड है। मतलब जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे दो गुना नीचे है, उससे दो गुना कम है। मतलब वो अभी सस्ते में बिक रही है। और यदि किसी कंपनी की मौजूदा मार्केट वैल्यू उसके बुक वैल्यू से दोगुनी है, दोगुनी है मतलब महंगी है, तो इसका मतलब है कि कंपनी अभी दोगुनी ओवर वैल्यूड है, अभी महंगे में बिक रही है। तो जो महंगे में बिक रही है उसे हम छोड़ सकते हैं, जो सस्ते में बिक रही है उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम ये जो बुक वैल्यू का इन्फॉर्मेशन है उसे हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। यदि कंपनी ओवर वैल्यूड है तो इन्वेस्ट करने के लिए इसके मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू के पास आने तक का वेट करना चाहिए, और जैसे ही बुक वैल्यू के आसपास में जब मार्केट वैल्यू आ जाता है तो सही टाइम देख के इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें इन्वेस्टमेंट में जोखिम भी कम रहेगा और अर्निंग भी ज़्यादा होगा, रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग बुक वैल्यू का यूज कर सकते हैं। और किसी भी कंपनी में जितनी भी लिस्टेड है, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके सारे फंडामेंटल्स को चेक करने चाहिए और साथ में बुक वैल्यू भी चेक करना चाहिए ताकि रिस्क कम हो। वैसे पैसा आपका है और फैसला भी आपका ही होगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं फंडामेंटल्स के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।